गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपने व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछे हैं। आज वहां जितना क्वेश्चन पूछे हैं उसको आज बताते हैं। टू पॉइंट टू का एक जो है ऐसे है, इसको हम लोग बोलते हैं रो, वन रो, टू रो, थ्री, फोर, फाइव, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री, फोर, फाइव। इसमें क्या है कि नंबर फिल है। क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझाते हैं। ये थर्ड है, 2.2 का थर्ड। ये कह रहा है ए मैजिकल स्क्वायर, एक स्क्वायर बॉक्स है, लेंथ ब्रेथ एक है, ऑफ नंबर हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कॉलम की संख्या और रो की संख्या दोनों सेम है। ये पांच है और ये भी पांच है। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ नंबर इन ईच रो, ईच रो कहने का मतलब है एक रो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कॉलम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये रो है, ये कॉलम है और ये इसका डायगोनल है। ये कह रहा है कि ये सेम है, यानी इसको हम सम करते हैं, इसको सम करते हैं, इसको सम करते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो ये कह रहा है कि सेम है। तो फिल इन द ब्लैंक सेल टू कंप्लीट मैजिक स्क्वायर। सेल कहने का मतलब है ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, यानी इसमें कौन सा नंबर होगा, इसमें कौन सा नंबर होगा, इसमें कौन सा नंबर होगा, इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन, इसमें कौन, इसमें कौन, यही बताना है। अब कह रहा है कि इसका ईच रो एंड ईच कॉलम सम सेम है और इसका डायगोनल भी सेम है। तो यहां पर देखो, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं कारण कि ये ब्लैंक है, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, यानी यहां भी ब्लैंक है, यहां भी ब्लैंक है, यहां ब्लैंक है। डायगोनल की बात करते हैं तो इसको हम जोड़ते हैं तो इस सब सेल में नंबर है, तो इसको जोड़ लेते हैं। ये है 24 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 16। अब इनका हम सम करते हैं, 4 × 2 = 6, 6 × 6 = 12, 12 × 8 = 20 का क्या 0 कैरी, 2 × 2 = 3, 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 7, 8 and 10, ये 100 हो गया। यानी ये जो है ये 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका डायगोनल और रो सबका सम सेम होना चाहिए, यानी सबका सम 100 होना चाहिए। तो हम इसकी बात करते हैं, 24 प्लस, इसको नहीं मालूम है, ये ठीक कर लेते हैं, प्लस 8 प्लस 15 प्लस 22। इस किताब के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से इन सबों का भी सम 100 होना चाहिए, ये क्वेश्चन कर रहा है। अब आओ, ए प्लस, एक इसको सब जोड़ नहीं सकते हैं, यहां आते हैं, 4 + 8 कितना होगा, 12, ऐसे जोड़ते हैं, 2 और 5 = 7, 7 × 8 = 15, 15 × 4 = 19, 19 × 9 एक आया, 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 4 × 2 = 6, तो ये आ जाएगा 100। अब
ए का वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा 100 माइनस 69, तो ये हो जाएगा कितना 41। यानी ए के जगह पर क्या हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा। समझ में आ रही है, ऐसे ही बनेगा, सबको इसी प्रकार करेंगे। अब यहां पर देखो दो बॉक्स खाली तो छोड़ देते हैं, हम इसकी बात करते हैं क्योंकि एक बॉक्स यहां पर है, तो ये हम लेते हैं 31 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 19 प्लस कोई नंबर ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100। अब आते हैं 1 2 3, 3 3 6, 6 9 15 का 5 कैरी 1 1 1 2 3 4 और 3 7, 75 प्लस b इक्वल टू 100, तो b का वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा 100 माइनस 75, यानी b जो हो जाएगा ये 25। तो B के जगह पर क्या हो जाएगा 25। अब इसको निकालना है, इन सबों को सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन बनेगा, उसको व्हाट्सएप पर हम भेजे हुए हैं, करते ही जाएंगे, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। हम दो बता चुके हैं, यहां रख के सी ले लेंगे, सबको जोड़ेंगे 100 मार्क्स के लिए निकल जाएगा। छोड़ते हैं, अब आपने क्वेश्चन पूछा है आपने पूछा है 2.5 का 10 नंबर क्वेश्चन। किसी ने पूछा है 2.5 का 10, हम आधा काम किए हैं, इसको सॉल्व किए हैं, इसको सॉल्व किए हैं, आपको इसको निकालना होगा, इसको निकालना होगा, सबको निकालना होगा, ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है। का 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑन डिवाइडिंग 62345 by 199। इसके बाद कह रहा है द रिमाइंडर, एज 58, फाइंड कोसेंट। क्वेश्चन कह रहा है ऑन डिवाइडिंग, यानी इसको डिवाइड कर रहे हैं 62,344 को डिवाइड कर रहे हैं 199 से, तो रिमाइंडर जो आ रहा है सो 58।
एट आ रहा है। तो कह रहा है कि आप निकालिए, फाइंड कोसेंट को निकालिए। तो एक हम समझाते हैं कॉन्सेप्ट है, जैसे एक हम नंबर लेते हैं समझाने के लिए, 21 में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 ये ना होता है, ये 21 जो होता है सो डिविडेंड होता है, जिससे हम डिवाइड करें वो डिवाइजर होता है, और ये जो होता है वो कोसेंट होता है भागफल, और ये होता है सो रिमाइंडर होता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं 21 इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर, 5 × 20 और 1 = 21। 21 क्या है? डिविडेंड है। 5 क्या है? डिवाइजर है। 4 है सो कोसेंट है, और 1 है सो रिमाइंडर है। तो डिवाइजर में कोसेंट से मल्टीप्लाई कर रिमाइंडर को प्लस करते हैं तो डिविडेंड निकलता है। ठीक, तो फॉर्मूला हम है उसको लिख देते हैं, बी नो डेट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहां पर हियर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 199 से डिवाइड कर रहे हैं, किसमें? इसमें। तो यहां पर हियर डिविडेंड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 6, 2, 3, 4, 5 डिविडेंड है। ये किससे कर रहे हैं? 199 से कर रहे हैं। तो डिवाइजर क्या होगा? डिवाइजर इक्वल टू 199। अब डिविडेंड में डिवाइजर से हम भाग देते हैं तो कोसेंट तो कुछ ना कुछ आएगा ना। कह रहा है कि उसी कोसेंट को निकालो, ये नहीं मालूम है, रिमाइंडर दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, रिमाइंडर लिख देते हैं इक्वल टू 58। अब कोसेंट कुछ ना कुछ होगा, यही निकालना है यही मालूम नहीं है, तो यहां पर लिख देते हैं लेट। लेट का मतलब होता है माना। क्यू बी बी कोसेंट, हम मान लिए क्यू कोसेंट है, यानी 199 से डिवाइड करने पर इसमें कोसेंट क्या रहा है? क्यू आ रहा है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है यहां लिखते हैं। मेरा फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड है 6, 2, 3, 4, 5 इक्वल टू, डिवाइजर क्या है? 199 इनटू कोसेंट, कोसेंट क्या है? क्यू को माने हैं, तो यहां क्यू लिख देते हैं। अब प्लस रिमाइंडर, यानी ये 58 हो गया। अब आओ 58 प्लस में है, इक्वल के राइट में है। एक होता है टर्म आता है ट्रांसपोजिशन, इसमें क्या होता है जैसे समझाते हैं आपको, ए प्लस 12 इक्वल टू 13, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 13 माइनस 12। ये प्लस है तो इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है। ठीक, तो यहीं पर इस फॉर्मूला को हम अपनाते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 6, 2, 3, 4, 5 माइनस 58 इक्वल टू क्या?
199 into Q। अब आसान हो गया इसमें माइनस करना, तो यहां देखो 15 तो ये हो जाएगा 7, एक हम उधार लिए हैं तो यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 5 है, एक और ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 13, 13 में 5 आएगा तो कितना आएगा 8, यहां एक कम हो जाएगा 2, 2, 6, इसको चेक कर लेते हैं, हो गया क्या सर? नहीं, ठीक है, यहां पर हो जाएगा 199 into Q। एक और नियम कहलाता है A इंटू बी इक्वल सी रहे, इंटू में रहे तो हम लिख सकते हैं A इक्वल टू सी बाई डी, तो इंटू में है तो Q हम लिख सकते हैं क्या 6 2 2 8 7 by 199। अब थोड़ा लंबा है, इसको क्या करते हैं कि डिवाइड करके देख लेते हैं, 199 ये क्या करते हैं 6 2 2 8 7, 3 बार में जाना चाहिए, 27 का 7 2 29 2 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये 8 आया, एक बार लेना चाहिए 199, तो ये हो जाएगा 9, ये 4 इसमें से आएगा, 14 में से गया तो ये 5 हो जाएगा, और ये 7, तो ये सीधे 1 बार में जाएगा, ये 313, यानी क्वेश्चन इक्वल टू 313, क्या निकालना, तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिए, एक लड़का ने बनाया था, सही बनाया था, लेकिन ये प्रोसेस को नहीं कर पाया, सही नहीं था, आंसर सही था, और आप लोग व्हाट्सएप से भेजिएगा, समय खत्म हो गया, और आप लोग बनाइए 2.6 बना लीजिए, ये खत्म ही है, और भी एक दो दिन और डाउट क्लास चलेगा, जितना पूछना है आप पूछिएगा, क्वेश्चन को स्कैन करके आप भेज दीजिएगा मेरा नंबर पर, अगले क्लास में बताएंगे, थैंक यू।